بسم الله الرحمن الرحيم. International Islamic Research Center. औरतों के जेब जीनत के इस्तेमाल वाले जेवर पर ज़कात है या नहीं, मक्का के किसी मुफ्ती का फतवा व्हाट्सएप पर गर्दश कर रहा है। व्हाट्सएप पर बड़ी चीज़ें गर्दश करती रहती हैं और वो मक्का के मुफ्ती का फतवा नहीं, वो सऊदी अरब के मुफ्ती आज़म हैं, शेख अब्दुल अजीज़ बिन अब्दुल्ला आल शेख हफ़िज़हुल्लाह। और उनके फतवे से पहले जो सऊदी अरब के ही मुफ्ती आज़म हैं, अब मुफ्ती आज़म थे हो गए हैं, शेख इब्न बाज़ रहमतुल्लाह अलैह, उनका फतवा ये है कि जो जेब व जीनत के लिए औरत इस्तेमाल करती है जेवरात, उन जेवरात पर भी ज़कात देनी चाहिए, उन पर भी ज़कात है। और ये तफसीली फतवा पिछले दिनों मैंने अपने कॉन्टैक्ट्स में जितने लोग हैं उनको भेजा था, शायद आप में से किसी को आया है, नहीं आया, ना आया हो तो वो आपको अब भी मैं भेज सकता हूँ। तो उसमें पूरी तफसील के साथ ये बात मौजूद है कि ज़ेरे इस्तेमाल जेवरात और पड़े हुए जेवरात और बिस्किट टाइप सोना, सोना चांदी दोनों पर हर हाल में ज़कात देनी चाहिए। एक राय वो है जो अभी सामने आई है ना कि ज़ेरे इस्तेमाल जेवरात पर ज़कात जो है वो ज़रूरी नहीं है, ये कुछ लोगों की राय है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है कि वो है ही नहीं, ये राय है। लेकिन किबार उलमाए किराम ने और यहीं के मुफ्ती आज़म ने ये कहा है कि ज़कात देनी चाहिए और हम अल्हम्दुलिल्लाह देते हैं, क्योंकि उसी में एहतियात है। दो चीज़ों में मान लेते हैं कि वो भी राय है, वो भी राय है। अब दोनों रायों में से एहतियात किस में है, देने में या ना देने में? एहतियात देने में है, तो इसी पे अमल करें और इसी में इंशाल्लाह खैर है।